नमस्ते दोस्तों, आज हम ऐसे पान गला का डिजाइन बताने जा रही हूँ। ब्लाउज में है पीछे गला का, और ऐसे पूरा वीडियो देखे ताकि आप लोग के अच्छे से समझ आए और अच्छे से सीख भी सके। और पूरा वीडियो देखे और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऐसे शेयर भी करें और घंटी दबाएं, ताकि जो भी वीडियो बनाओ वो सबसे पहले आपको पता चले। तो चले आए देखें, ये हो गया मेरा ब्लाउज का नाप हो गया है। इसमें अब इसमें है चेस्ट, अति पहले सबसे पहले है लंबा, तो लंबा हो गया है 14 इंची, चेस्ट हो गया 36 इंची, कमर हो गया 34 इंची, और बाजू का लंबाई हो गया 3.5 इंची, और बाजू का जो गोल होता है मोहरी वो 7 इंची, और उस फिर आगे गला हो गया है 6 इंची, पीछे के गला हो गया है 11 इंची। अब ये नाप इधर रख देती हूँ। कटिंग करने के लिए कैंची, स्केल और ऐसे चौक और इंची टेप रहना बहुत जरूरी है। अब ये साड़ी जो कपड़ा है वो हम ऐसे साइड में पहले रख लेते हैं। अब ये अस्तर हो गया है, तब ये अस्तर को हम ऐसे फोल्ड कर ले। अभी हम अस्तर को है ये हम ऐसे जितना साइज का ब्लाउज है उस हिसाब से हम फोल्ड कर ले। अभी फोल्ड कर लिया है, देख लिए हैं कितना साइज है मेरा ब्लाउज का, ऐसे निकल जाएगा अच्छा से। बैक पल्ला भी और फ्रंट पल्ला भी इधर से निकल जाएगा। अब हमने जो ये ऐसे कपड़ा कम बेसी है उसे हम सीधा करके निशान लगा लेते हैं मार का। अब ये कपड़ा जो खाए ऐसे बड़ा छोटा उसे हम कटिंग करके हटा देते हैं। अब हम सबसे पहले लंबाई के नाप ले, ऐसे 14 इंची है, 1 इंची नीचे को ही ऐसे मार्जिन लेंगे जो तुरपाई में जाएगा, और 1/2 इंची जो शोल्डर पे सिलाई जाएगा उसका, तो 14 इंची और 1.5 इंची हो जाता है। हम मेरा ऐसे 15.5 इंची है, 15.5 इंची पर लगा देते हैं ऊपर भी और नीचे ऐसे 14 इंची है, तो 14.5 पर लगा रही हूँ और 1 इंच ऐसे रहेगा तुरपाई के लिए। अब मेरा जो आर्मूल का निशान है जो हम 5.5 पर लगाते हैं। अब ये तीनों निशान को हम सीधा से मार्कर लगा लेते हैं। अब हमने चेस्ट और कमर के नाप ले और ऊपर शोल्डर का। चेस्ट मेरा है 36 इंची, तो 9 × 36 हो जाता है मेरा, तो हमने 9 इंची पर यहाँ पर ले लिया, प्लस में हम 2 इंची और ऐसे मार्जिन ले लेते हैं। कमर मेरा है 34 इंची, तो 8.5 लेते हैं तो 34 हो जाता है, प्लस हम 1 इंची जो प्लेट डालेंगे उसके लिए ले लेंगे, 9.5 पर ले लेंगे। अब हमने ऐसे मार्कर लगा लेते हैं। अब ऊपर शोल्डर का हम मार्कर लगा लेते हैं। मेरा 36 इंची चेस्ट है, तो हम यहाँ 11 इंची शोल्डर का ऐसे 5.5 लगाएंगे, तो मेरा 5.5 यहाँ पर आ रहा है, तो हम 5.5 पर ये मार्कर लगा दें। और ऐसे 3 पर इधर जो ऐसे गला का कटिंग ऐसे अढ़ाई करेंगे और 3 इंची रह जाएगा कंधे, तो अब ये भी हम मार्कर लगा लेते हैं। अब ये आर्मूल का हम 1 इंची पर लगाते हैं, गोल बनाते हैं। अब हम प्लेट जो डालेंगे जो ऐसे 9 इंची पर ही है, तो हमने 4.5 पर ऐसे यहाँ प्लेट डालेंगे। अब बिल्कुल ऐसे 3 इंची लंबा ऐसे देंगे। अब इसे थोड़ा थोड़ा हम तिरछा भी कर लेते हैं जो सिलाया जाएगा। मार्कर लग गया, गल्ला है मेरा 11 इंची, 11 इंची पर हम यहाँ पर लगाते हैं। अब एक पान गल्ला का हम ऐसे डिजाइन कटिंग करेंगे, तो हम पहले यहाँ पर ही सबसे 3 इंची पर लगाएंगे। अब इसे हम सीधा लगा दिए,
यहाँ पर से हम थोड़ा सा हल्का से गोल बना लें। अब ये गोल बन गया। अब इसमें हमको पान गल्ला का कटिंग करना है। अब ऐसे करके हम हल्का हल्का लगाएं, फिर इसे तेज करके और अच्छे से लगा लें बराबर करके। अभी मार्का मिला लग गया। अब मार्का पर हम कटिंग कर लें। इसमें ये पान गल्ला के हैं, इस हिसाब से हम थोड़ा सा ऐसे हाफ इंच यहाँ कंधे को हम ज्यादा भी दे सकते हैं, क्योंकि ये सटा हुआ रहेगा तो इससे हमको क्या होगा, यहाँ आर्मूल का यहाँ टाइट नहीं होगा, इस कारण से हम यहाँ हाफ इंच ज्यादा भी रख सकते हैं। अगर 36 इंची बॉडी है तो, अगर 32 रहता तो नहीं रखते। ऐसे 36 इंची है तो हम हाफ इंच यहाँ पर बढ़ा भी सकते हैं। अब यहाँ पर से हम इस जगह से फिर हम गोल बना देते हैं। ज्यादा कुछ नहीं करना, हल्का से खाली बस। गल्ला भी कटिंग करके निकाल लेते हैं। गल्ला को कटिंग देख लेते हैं कि अच्छे से कटा कि नहीं। बिल्कुल अच्छा से है। अब आगे का भाग हम निकाल लें। आगे के भाग को हम इसी को रख के हम निकाल लेते हैं। सेम हम ऐसे यहाँ रख दिए, तो यहाँ पर कपड़ा थोड़ा कम रहा है, एक इंची कम रहा है, तो हम इसमें जोड़ लगा देंगे सिलाई करने वक्त। सेम हम यही लगा देंगे पलट कर। अभी हम कटिंग कर लेते हैं बैठा कर। अब मेरे गल्ला आगे के है ऐसे 6 इंची, तो 6 इंची पर हम ऐसे मार्कर लगा लेते हैं गोल का। बिल्कुल हम यही निशान से लगाएंगे गोल, ताकि मेरा गल्ला कम बेसी ना होवे। अब हल्का से इसको हम गोल कर ले। अब इसी को पल्ला हम धर के से कटिंग कर लेते हैं। मेरा यहाँ का हो गया जोड़ का भी शेप अच्छा से निकल गया। अब यहाँ से हमने 2 ऐसे सूत्र ज्यादा लेंगे, जो कट पट्टी बटन पट्टी के लिए सिलाई में जाएगा उसके लिए। तो हम ऐसे मार्का लगा लें ताकि कम बेसी ना कटे। हाफ इंच ऐसे नीचे का है, वो भी मार्का हम लगा लेते हैं। जो प्लेट डालेंगे उसके लिए हाफ इंच नीचे ज्यादा रहता है। अभी जो कम बेसी कपड़ा उसे हम बराबर से छाट लेते हैं। मेरा ये सेट सही से हो गया है। बिल्कुल ये पीछे का भाग हटा देते हैं पहले। इस जोड़ को हम इसी में डाल देते हैं ताकि इधर उधर ना हो। अब हम यहाँ पर ही ऐसे आर्मूल का ऐसे गोल बना दें।
अब यहाँ पर चार प्लेट है तो चार प्लेट के निशान लगा देते हैं। यहाँ से हम 9 इंची पर लेते हैं, 9.5 इंची पर, क्योंकि ब्लाउज की लंबाई 15 है तो 9.5 पर लेते हैं। अब इधर का हम जो प्लेट डालेंगे जो 2.5 पर ले लेते हैं, क्योंकि ये 1/2 इंची ऐसे जो गला पट्टी लगाएंगे उसमें चल जाएगा। अब बिल्कुल ऐसे 2.5 इंची कैसे लंबा दे, और सेम हम इसी से नाप के हम 2-2 इंची पर चारों का निशान लगा लेते हैं। चारों का निशान हो गया है। अब हमने इसे स्केल रख कर खींच ले मार का, चारों निशान हो गया बराबर। अब सेम हम इसे कुटका लगा दें थोड़ा थोड़ा, ताकि दोनों पल्ला अच्छा से जब सिलाई करें तो समझ में आए। अब इधर भी हम हैं तो ऐसे ये निशान को हम रख के ऐसे इधर से भी निशान हल्का से लगा सकते हैं, चारों का ऐसे निशान दूसरे पल्ला में भी उठा लेंगे। अब ये तो सादा ब्लाउज का हो गया है। अब इसी में हम ऐसे पट्टी इसमें डालेंगे, पट्टी जब भी डालें, यहाँ से तो हम 9.5 पर ही दिए हैं। अब सेम हम यहाँ से ऐसे नाप ले 3.5 इंची पर ही, 3.5 इंची पर इसलिए नाप रहे हैं कि 3 इंची बचेगा, क्योंकि 1/2 इंची यहाँ फिर सिलाई चल जाएगा ना, क्योंकि पट्टी जो ऐसे काटिंग करके आप फिर ऐसे जोड़ेंगे तब। अब यहाँ पर हम ऐसे सेम इसी को निशान हम देख लेते हैं, तो 3 इंची पर यहाँ पर लगाते हैं इधर, यहाँ पर हम ऐसे 2 इंची पर लगा देते हैं। जब भी आवे तो इधर मनु के ऐसे तिरछा हल्का रहे और इधर डाउन रहे। तो हम अब इसे मार्का भी खींच लेते हैं। अब ये मेरा पट्टी भी का ब्लाउज भी ऐसे बन जाएगा। अब इसे कटिंग कर लेंगे और ऐसे अलग निकाल देंगे, तभी प्लेट डालेंगे। प्लेट जब भी यहाँ डालेंगे तो 1 इंची भर ऐसे डालेंगे, ताकि मेरा यहाँ अच्छा से पट्टी भी बैठ सके। अब बाजू का कटिंग दिखा, ये पट्टी वाला जो है ऐसे हम कटिंग करके ऐसे भी निकाल लेते हैं। अब ये निकल गया है। अब इसमें हम प्लेट जब डाल देंगे सिलाई करने वक्त, तब सेम हम पट्टी को ऐसे सिलाई से जोड़ देंगे। अब ये जो फालतू बचा है उसे हम कट करके हटा देते हैं। अब ये हो गया है मेरा पट्टी वाला। अब बाजू कटिंग कर लेते हैं। बाजू के लंबाई है 3.5 इंची, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कितना मेरा कपड़ा है, दोनों बाजू एक साथ निकलता है कि नहीं। 3.5 इंची 7 इंची हो जाता है दोनों बाजू का, 1 इंची और फालतू, तो मेरा बाजू क्या होगा इधर से निकल जाएगा दोनों। तो सेम हम इधर ही से डबल कर देते हैं, ऐसे फिर फोल्ड कर लेते हैं। बाजू है 3.5 इंची, ऐसे मार्जिन के लिए हम कपड़ा उतना नहीं बच रहा है, कम बच रहा है ना, 2 सूता कम बच रहा है, तो एक एक पल्ला करके निकाल लेते हैं। अब इधर हम 1/2 इंच छोड़ देते हैं, जो ऐसे सिलाई देंगे अस्तर में तो ये अंदर चल जाएगा। 3.5 इंची मेरा बाजू का लंबा है तो 4 इंची पर काटें, और इसे 2 इंची पर ही आर्मोल का निशान दे दें। मोहरी मेरा है 7 इंची, आर्मोल है 7.5 इंची, तो मेरा यहाँ दबाव के लिए कपड़ा कम है, इसे और बढ़ा लेते हैं। सात इंची ये मोहरी हो गया है, आर्मोल हो गया है 7.5 इंची।
यहाँ से हमने गोल कर दे, तो यहाँ से 2 इंची यहाँ कम गया है, तो ये बिल्कुल ऐसे आर्मूल जो शेप होगा बाजू का वो शेप एकदम अच्छा से बैठेगा। कटिंग करके हम इसे निकाल लेते हैं, यहाँ पर निशान लगा देते हैं फुटका का, सिलाई देंगे सेम वहीं पर। अब इसे एक पल्ला में जो आगे का भाग रहेगा उसमें हम 1/2 इंची को ऐसे गोल बना दें, ऊपर से कम ले, यहाँ बीच में आके 1/2 इंची ले, फिर यहाँ कम ले नीचे में। अब इसे कटिंग करके निकाल दें। अब ये फालतू कपड़ा निकल गया, इससे क्या होता है एक कपड़ा नहीं निकालते तो ऐसे ब्लाउज आगे का भाग यहाँ लूज पड़ता, अब ये निकल गया है यहाँ लूज नहीं पड़ेगा। अब दूसरा बाजू निकाल दें, तो सेम मेरा कपड़ा यही बच रहा है, हम यही कपड़ा को ऐसे रख देते हैं, सेम मेरा बराबर इधर आ गया है। अब ये जरा सा जोड़ पड़ेगा 1 इंची का, तो हमने वहां पर जोड़ डाल देंगे एक पल्ला में। अब यहाँ पर 2-1 इंची है, सेम हम यही कपड़ा को बैठा के कटिंग करके निकाल देते हैं। मेरा बाजू का भी कटिंग हो गया है, अब रह गया है साड़ी का जो कपड़ा है, सेम हम इसको डबल करके फोल्ड कर लेते हैं। पहले पीछे का जो है बैक वो हम ऐसे निकाल लेते हैं, अब सेम हम इधर फ्रंट वाला भी पल्ला ऐसे सरिया देते हैं। बाजू देख रहे हैं यहाँ से नहीं निकल रहा है, तो हमने इसे एक पल्ला करके सरिया ले। इसे हम एक पल्ला करके सरिया ले ताकि इधर से फिर हम बाजू निकाल लेंगे। इस ढंग में सरिया लेते हैं, प्लेट वाला भी है तो इसी तरह हम सरिया लेते हैं। थोड़ा कपड़ा बेसी रह देते हैं क्योंकि जो तुरपाई में जाएगा वो अस्तर में नहीं है तुरपाई के लिए, तो साड़ी वाला इसे तुरपाई के लिए मुड़ जाएगा, फोल्ड हो जाएगा। अब हमने इसे बाजू इधर से दोनों के दोनों निकाल लेंगे, हम वो भी बताते हैं। अब इसे काट के निकाल देते हैं। जब भी काटे इसे साड़ी लग कपड़ा तो अस्तर से ऐसे फालतू काटे थोड़ा थोड़ा, ताकि सिलाई करने वक्त मेरा कपड़ा इधर उधर जरा मेरा घसक भी सके तो कोई दिक्कत ना हो। इसमें हम बाजू का बाजू देखिए हम एक एक पल्ला करके निकाले, तो सेम मेरा अस्तर में तो जोड़ आया था लेकिन ऐसे साड़ी लमजी को भी जोड़ नहीं आ रहा है, बिल्कुल ऐसे बराबर आ रहा है मेरा। इसे कटिंग करके निकाल देते हैं।
हैं बाजू को हम ऐसे और ये दोनों बाजू हो गए इसमें। कटिंग तो बिल्कुल अच्छे से ऐसे बताए हैं। धन्यवाद। तो